गुड मॉर्निंग एवरी वन. क्लास 11th कॉमर्स. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर सेम टॉपिक डिमांड. आज हम डिमांड को ही कंटिन्यू करेंगे. डिमांड का मीनिंग हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है और जान लिया है. यहाँ फिर से डिमांड की मीनिंग देख लेते हैं. डिमांड की मीनिंग क्या है? ठीक है, किसी भी गुड्स को उसके दिए हुए प्राइस पे खरीद लेना, इसको हम कहते हैं डिमांड. ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन ध्यान से सुनिए और बुक में भी आप देखिएगा. द कंज्यूमर विलिंगनेस टू परचेज एनी गुड्स एट ए गिवन प्राइस एंड टाइम. कंज्यूमर किसी भी गुड्स को उसके दिए हुए प्राइस पे जब खरीदना चाहता है या खरीद लेता है तो ये कहलाता है डिमांड. ठीक है, डिमांड का यहाँ पे हम डायग्राम भी देखेंगे, क्योंकि डिमांड किस से जुड़ा हुआ है? प्राइस से जुड़ा हुआ है. ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ होता है. उसी तरीके से अगर प्राइस डिक्रीज़ यानी कम होती है या फॉल होती है तो डिमांड क्या होगा? राइज होगा. ये नॉर्मल हमारे लाइफ में अप्लाई भी होता है. ठीक है, आप कभी भी देखेंगे कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा महंगी होती है. अब सिंपल सा कभी कभी ऑनियन का एग्जांपल अक्सर मार्केट में दिख जाता है. जब ऑनियन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है तो हम थोड़ा कम लाते हैं, क्योंकि ज़रूरत तो है इसलिए पर ख़रीदते कम है. उसी तरीके से जब ऑनियन बहुत सस्ता हो गया तो फिर वी परचेज मोर. ठीक है, इसीलिए डिमांड प्राइस के साथ जुड़ा है. यानी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, और प्राइस जब फॉल होती है या डिक्रीज़ होती है तो डिमांड इंक्रीज़ होता है. लेट्स सी इन द डायग्राम. डायग्राम देखिए, यहाँ पे ओ वाई एक्सिस प्राइस को शो करता है एंड ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ द गुड्स. कितना क्वांटिटी हम परचेज करके ला रहे हैं. ठीक है, 5 रुपीज़ पर पेन है. अगर 5 रुपीज़ का पेन मिल रहा है तो उस 5 रुपीज़ के पेन पे हम कितने पेन को हमने ख़रीदा? 2 खरीदा, 4 खरीदा, उसको इसलिए आप क्वांटिटी का मतलब यही है. ठीक है, अब प्राइस ओ पी है. ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी कितनी है? ओ की है. यहाँ पे ये प्राइस डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक क्या ओ पी, ये डिस्टेंस देख लीजिए आप, तो ओ पी प्राइस ज़्यादा है. क्वांटिटी हम क्या करें? कम करें. प्राइस पी से P1 तक फॉल हुई, डिमांड क्या हो जा रही है? इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, प्राइस के फॉल होने पे डिमांड इंक्रीज़ होती है, ये डायग्राम शो कर रहा है. और इसलिए इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं ये हमारा बन गया डिमांड कर्व. डी डी क्या है? डिमांड कर्व है. क्वेश्चन भी आता है कि क्यों ये डिमांड कर्व का स्लोप क्या है? तो ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है. क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड हुआ, क्यों नहीं डिमांड कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ? क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, यानी ऑपोजिट है. ऑपोजिट का मतलब क्या? कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड फॉल. ठीक है, ओके. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टुडे, दैट इज द टॉपिक विच वी हैव टू एक्सप्लेन हियर. ये टॉपिक हम एक्सप्लेन करना है आज हम लोगों को, फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड. फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से फैक्ट्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं या डिमांड किन बातों पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशंस आता है, और ये भी इट इज़ वेरी मस्ट कि आपको जब कोई इकोनॉमिक्स का कोई थ्योरी पढ़े, कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, वहाँ पे डायग्राम गिवन है या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, अगर आप उसको लिखते हैं तो किसी भी इकोनॉमिक कोई भी सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर होते हैं, उनको पता है कि इस बच्चे को अच्छी नॉलेज है. ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, डी इक्वल टू ये एफ़ का साइन इन फंक्शन, फंक्शन ऑफ पी वाई पी टी पी पी एफ. ठीक है, एफ़ का मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है? डिपेंड करना. ठीक है, डिमांड किन किन बातों पे डिपेंड करता है? पी मतलब प्राइस. ठीक है, वाई इकोनॉमिक्स में, अब आज से आप जितने भी आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे 12 में भी जाएंगे, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से हम डिनोट करते हैं. तो डिमांड किन किन बातों पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है. पी टी, पी टी मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, पी 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 मतलब पॉपुलेशन को दिया गया, एफ एफ मतलब फैशन या सीजन, और बाकी अदर फैक्टर्स. डिमांड किन किन बातों से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, इसी को फैक्टर्स कहते हैं. ये है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द डिमांड. ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पर डिमांड इक्वल टू द डी, मतलब डिमांड इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैशन, सीजन. ओके, वन बाय वन करके हम सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे.
लेट्स सी द फर्स्ट फैक्टर. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर देखते हैं हम यहाँ के क्या लिखा था हमने. डिमांड का पहला फैक्टर प्राइस. प्राइस मतलब क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जो गुड्स आप परचेज करने जा रहे हैं या जिस गुड्स की डिमांड है उसका एक गिवन प्राइस होता है ना, तो उस गुड्स की प्राइस किस तरीके से डिमांड को इफ़ेक्ट करती है. इससे पहले डिमांड को जब एक्सप्लेन कर रहे थे हम, तो आपको हमने बताया था कि प्राइस किस तरीके से डिमांड को इफ़ेक्ट करती है. तो क्या कहेंगे कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है डिमांड फॉल होता है, और प्राइस फॉल होती है तो डिमांड राइज होता है. यानी प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, या ऑपोजिट रिलेशन है. और प्राइस डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. यहाँ पे फिर से देख लीजिए, प्राइस राइज तो डिमांड फॉल. ठीक है, और प्राइस फॉल तो डिमांड इंक्रीज. यही प्राइस और डिमांड का रिलेशन है. ठीक है, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं प्राइस किस तरीके से डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसी को फैक्टर बोला हमने. ठीक है, तो प्राइस इनकम, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी. ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी. कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग में आई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगी है तो वही लोग परचेस कर पाएंगे जिनकी इनकम कैपेबिलिटी उतनी है. उसके बाद हम वेट करते हैं थोड़ा प्राइस कम होने का, और इसी तरीके से किसी भी गुड्स की प्राइस कम होती है तो वी विल परचेज मोर. नेक्स्ट टॉपिक वी विल सॉरी नेक्स्ट फैक्टर वी विल सी हेयर. जो हमारा फैक्टर्स ऑफ द डिमांड का पहला तो था प्राइस, प्राइस किस तरीके से डिमांड को इफेक्ट करता है. दूसरा देखते हैं इनकम. ये भी बताइए, ये सिंपल सी चीज़ है कि इनकम किस तरीके से डिमांड को इफ़ेक्ट करेगा. ठीक है, ये अब मे भी आपको ये बातें समझ में भी आ रही होगी कि इनकम, अब यहाँ पे इनकम वैसे कहा और डिमांड. ठीक है, इनकम और जो डिमांड का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है. डायरेक्ट का मतलब क्या है, किसी की भी इनकम इंक्रीज़ होती है, इनकम ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा परचेज़ करते हैं. ठीक है, इनकम कम होने पे डिमांड भी कम की जाती है. सपोज़ किसी की बहुत अच्छी सैलरी है, वो ब्रांडेड गुड्स खरीदेगा, उसकी प्राइस ज़्यादा भी है तो भी वो परचेज़ कर पाता है. किसी की इनकम कम है तो वो कम ही चीज़ों से अपना काम चला सकता है. तो यहाँ पे इनकम और डिमांड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है या पॉजिटिव है. यानी इनकम इंक्रीज़ होने पे डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, मार्केट में उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, इनकम का कम होने पे डिमांड भी कम होती है. और इनकम के साथ दो गुड्स यहाँ पे आते हैं. पहला गुड्स है नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स मतलब बेस्ट क्वालिटी के गुड्स. इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का या इनकम का इफेक्ट नॉर्मल गुड्स पे क्या पड़ता है, ये आपको क्वेश्चंस भी आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स में मींस दोज गुड्स विच हैव द बेस्ट क्वालिटी. ठीक है, एंड हेयर इनकम इफेक्ट्स, यहाँ पे इनकम का इफेक्ट पड़ता है. यानी इनकम इंक्रीज़ होने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. इनकम गुड्स, इनकम इफेक्ट्स में हम दो तरह के गुड्स का नाम देखेंगे. नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स का मतलब बेस्ट क्वालिटी गुड्स है. और दूसरे गुड्स का नाम आया है इन्फीरियर. इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी के गुड्स, यानी सस्ती चीज़ें. ठीक है, अब सपोज़ किसी की इनकम बहुत अच्छी है, आप में से किसी की भी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो ब्रांडेड जीन्स लेके आया, ब्रांडेड टी शर्ट्स लेके आया. लेकिन उसी में से किसी की इनकम कम है तो क्या वो ब्रांडेड चीज़ों को नहीं ले पाएंगे, तो वो फुटपाथ से भी या नॉर्मल भी चीज़ों को, सस्ती चीज़ों को लेके आते हैं. तो इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, सस्ती चीज़ें या लो क्वालिटी गुड्स. तो किसी की अगर इनकम कम है तो हम क्या करते हैं, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और अगर इनकम ज़्यादा है तो फिर हम इन्फीरियर गुड्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वी विल मूव टू द नॉर्मल गुड्स. हम नॉर्मल गुड्स की तरफ चले जाते हैं. इनकम जब कम ही, आप अभी मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, इनकम कम है, सिंपल सा सस्ता सेट लेके आप काम चला सकते हैं. लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, अब अच्छा सेट चाहिए आपको. ठीक है, तो इस तरीके से इनकम कम होने पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हम करते हैं ज़्यादा, लेकिन इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो वी विल मूव टू द नॉर्मल गुड्स, और नॉर्मल गुड्स की हम डिमांड करते हैं. ओके,